सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं चमचम मिठाई। ये बंगाल की काफ़ी फेमस मिठाई है। एक बार देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी चमचम मिठाई बनाने के लिए। 1 लीटर दूध लिया है, टोन दूध लिया है, 400 ग्राम चीनी लिया है, 100 ग्राम खोया लिया है, कुछ बूंदे केवड़ा एसेंस के लिए हैं, 1 पिंच येलो फूड कलर लिया है, 2 नींबू का रस है, 1 चम्मच सूजी है, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर है, 1 चम्मच नारियल बूरा है, 5-6 बादाम लिए हैं, 4-5 काजू लिए हैं। चमचम मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले दूध उबालकर छेना बनाने की ज़रूरत होगी हमें। गैस ऑन कर लेंगे, दूध रखेंगे उबलने के लिए। दूध में उबाल आने लग गया है, गैस सिम कर लेंगे और 1 मिनट उबलने देंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए नींबू का रस डाल लेंगे और मिक्स भी करते रहेंगे साथ साथ। गैस को ऑफ कर लेंगे, कुछ सेकंड इसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि दूध से छेना अच्छे से अलग हो जाए। आप नींबू की जगह वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं छेना बनाने के लिए। आप देख सकते हैं छेना अच्छे से अलग हो चुका है। एक बर्तन ले लेंगे, एक छन्नी सा ले लेंगे, कॉटन का कपड़ा रख लेंगे। इसमें ये छेना रख लेंगे। इसको 2-3 ग्लास ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि नींबू का खट्टापन भी इसका हट जाए और छेना भी ठंडा हो जाएगा। कपड़ा को चारों तरफ से फोल्ड करते हुए पोटली सा बना लेंगे और हल्के हाथों से दबा दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। इसमें गांठ लगा लेंगे और किसी ऊंची जगह कील में या नल में ऐसे करके टांग देंगे 45 मिनट के लिए ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। जब तक छेना से पानी अच्छे से निकलता है तब तक चमचम में स्टफिंग करने की तैयारी कर लेंगे। मिक्सी जार ले लेंगे, खोया को ऐसे तोड़ते हुए मैश करते हुए रख लेंगे। काजू रख लेंगे, इलायची पाउडर, नारियल बूरा, फूड कलर, दो चम्मच चीनी, अब इसको अच्छे से पीस लेंगे ताकि स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। बादाम को बीच से कट करते हुए पीसेस बना लेंगे, 2 पीस करना है बस ऐसे। स्टफिंग के लिए मिक्सर तैयार कर लिया है। छेना देख लेते हैं, एक थाली ले लेंगे, पोटली खोलेंगे, छेना रख लेंगे, इसको पहले हाथों से अच्छी तरह तोड़ लेंगे। इसको 10 से 12 मिनट तक हमें ऐसे हाथों से मसल मसल के बिल्कुल चिकना पेस्ट तैयार करना है ऐसे। चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए छेना
छेना अच्छे से मिक्स हो चुका है। सूजी डाल लेंगे इसमें और एक मिनट और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो अपने पसंद के अनुसार छेना को मिक्सी में भी पीस के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल चिकना, पर फिर भी हाथ से थोड़ा सा इसको मसलना ज़रूरी है। छेना हमारा अच्छे से तैयार हुआ कि नहीं मिठाई बनाने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा छेना ले लेंगे, इसको अच्छे से बाइंड करेंगे, फिर एक बॉल बना के देखेंगे। आप देख सकते हैं बॉल बिल्कुल चिकना है। अगर कुछ क्रैक्स इसमें दिखे तो छेना को 1 से 2 मिनट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छेना को 6 बराबर भागों में बांट लेंगे। इसको हाथों से लंबाई में ऐसे बाइंड करना है और इसको ऐसे करते हुए ऐसा शेप देते हुए तैयार कर लेंगे सारे बॉल्स। गैस ऑन करेंगे, कुकर रखेंगे, 600 से 700 ml तक पानी लेंगे। चीनी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। चमचम बनाने के लिए हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए। अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें, गैस को स्लो कर लेंगे। छेना बॉल्स डाल लेंगे एक एक करके। कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और टाइम देख के 10 से 12 मिनट तक इसको पकने देंगे। बारह मिनट हो चुका है चमचम को चाशनी में पकाते हुए, गैस ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने देंगे। हमारा चमचम बनके बिल्कुल रेडी है, काफ़ी टेस्टी बना है। इसको फ्रिज में रख देंगे 3-4 घंटे ठंडा होने के लिए, फिर खाने में और टेस्टी लगेगा ये। आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।